हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो आज मैं बनाने लगा हूँ दाल के कोफ्ते। तो बिल्कुल डिफरेंट ये रेसिपी है दाल के कोफ्ते। तो चने की दाल और उड़द की दाल है, बिना छिलके की दाल या धुली हुई दाल भी से कहते हैं, दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली हैं। हाफ कटोरी आप जितना दाल लेंगे, दोनों सेम दालें उतनी ही क्वांटिटी में लेनी है। इनको मैंने करीब 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर रखा, तो हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको हम जो है वो ग्राइंड कर लेंगे, कोर्सली इनको ग्राइंड करना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं करेंगे। तो दाल को मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, करीब 3 से 4 चुटकी हींग जाएगा, अजवाइन जाएगा 1/2 टीस्पून, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और धनिया पाउडर करीब 1 चम्मच, और स्वाद के अनुसार नमक डाला है, साथ में जाएगा लाल मिर्च पाउडर, तो करीब 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इसको ग्राइंड कर लें। एक और इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, तो करीब 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। तो इससे क्या है कि कोफ्ते जो है काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। देखिए दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड रखा है, तो ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे। इसको थोड़ा सा और फ्लेवरफुल करने के लिए इसमें डालते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से पहले से अच्छे से हाथों में क्रश कर लें, और एक बार हल्का सा फिर से ब्लेंड करेंगे। तो दोस्तों, कोफ्तों के लिए पेस्ट रेडी हो चुका है। इसे करीब 1/2 आवर के लिए रेस्ट करने देते हैं। तो दोस्तों, करीब 1/2 आवर हो चुका है, उसके बाद इसे एक बार अच्छा सा मिक्स कर लें अच्छे से। काफ़ी फूला फूला सा ये बना हुआ है, तो इस तरह से ही आप एक चम्मच लेके इसको डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। तो चम्मच में भर के आप इसे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। तो कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके उसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम तलेंगे दोनों साइड से, बीच में इसको हिलाते भी रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना सही इसमें गोल्डन कलर आया है। तो इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसी स्टेज पे आके इसके आप फिर से दोनों साइड चेंज करें, और दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम तल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोफ्ते जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं ये देखिए। तो इनके लिए अब हम कोफ्ता करी बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी मैंने ऑलरेडी एक बना के रखी है, इसका लिंक मैं आपको ये ऊपर दिखाई देगा अभी, तो यहाँ से आप इसकी रेसिपी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रेवी जो मैंने पहले से बना कर रखी है, तो जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगी, इसमें हम कोफ्ते डाल लेंगे। तो कोफ्तों को अगर आप तोड़ कर डालें तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और जो ग्रेवी है इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है, तो आप इसे तोड़ कर भी डाल सकते हैं। तो कोफ्ते बीच में डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे। और कोफ्ता करी आपकी रेडी है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गार्निश करेंगे इसे क्रीम और कटे हुए धनिया के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।